वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी के स्टूडियो में। और मैं लगातार पीजी एडमिशन का मैं कवरेज कर रहा था पटना यूनिवर्सिटी का, और इससे रिलेटेड हर अपडेट मैंने आपको टू द टाइम दिया। और आज भी कई सारे इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ मैं आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ। अभी तक जिनका एडमिशन पटना यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाया है पीजी के कोर्सेज में, ध्यान रखिएगा, जिनका भी एडमिशन पटना यूनिवर्सिटी में पीजी के कोर्सेज में एडमिशन नहीं हो पाया है बट वो अप्लाई किए थे, उनके लिए फिर से एक चांस मिला है। तो इस चांस को मिस ना करें और इस चांस का बेनिफिट आप जरूर लें। अब क्या कुछ चांस है, चांस के बारे में समझिए। एग्जैक्टली क्या होगा कि जो पटना यूनिवर्सिटी में जो पीजी का एडमिशन चला आपको रेगुलर कोर्सेज में, उसमें लगातार मेरिट लिस्ट आया, थर्ड मेरिट लिस्ट एंड थर्ड मेरिट लिस्ट का एक रिवाइज मेरिट लिस्ट भी आया, यानी टोटल चार मेरिट लिस्ट आया। इसके बाद स्पोर्ट एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई और जो पांचवा प्रोसेस हुआ वो आपका स्पोर्ट एडमिशन का प्रोसेस हुआ। और ये स्पोर्ट एडमिशन का प्रोसेस का फर्स्ट फेज था। मैंने आपको बताया भी था, स्टूडेंट्स को कई बार मैंने बताया था कि स्पोर्ट एडमिशन के भी एक दो फेज आते हैं, और जिसे जनरली पहले राउंड को स्पोर्ट राउंड एडमिशन कहा जाता है, और सेकेंड राउंड का जो एडमिशन होता है वो बेसिकली कैजुअल एडमिशन होता है। कैजुअल एडमिशन में एग्जैक्टली क्या होता है कि आप जाकर के फॉर्म वगैरह सबमिट करते हैं और इंस्टेंट उसी दिन एडमिशन आपका लगभग कंफर्म कर दिया जाता है, अगर सीट बचा हुआ रहता है तो। तो पटना यूनिवर्सिटी में जो कैजुअल एडमिशन है वो कम्प्लीटली आ चुका है, और ये कैजुअल एडमिशन का नाम नहीं है बल्कि इसे स्पोर्ट राउंड का सेकेंड राउंड नाम दिया गया है। स्पोर्ट राउंड यानी जो पहला स्पोर्ट राउंड हुआ उसके कंपेयर में सेकेंड स्पोर्ट राउंड में सीट थोड़ा सा ज्यादा ही हो जाता है। ऐसा क्यों होता है इसे समझिए। एग्जैक्टली क्या होता है कि जब फर्स्ट स्पोर्ट राउंड का एडमिशन चला उस टाइम कोटा का भी एडमिशन चल रहा था, और आप जानते हैं कि पीयू का क्राइटेरिया है कि कोटा के एडमिशन में 18% सीट रिजर्व होता है। तो जो पीजी के कोर्सेस है, पीजी के रेगुलर कोर्सेस है, लगभग उसमें आपको समथिंग 2000 के आसपास सीटें हैं, और इसका आप 18% करते हैं तो तकरीबन आपको 300 से 400 के बीच के आसपास सीटें होती है। तो 300 से 400 के आसपास सीटें आपका रिजर्व होता है कोटा के एडमिशन के लिए। तो कोटा के एडमिशन ऑलरेडी पटना यूनिवर्सिटी में खत्म हो चुका है पीजी के लिए। देन इसके बाद जो भी शेष सारे सीटें बचती है आपको कोटा एडमिशन के बावजूद, तो जो शेष सारे सीटें बची हुई है और प्लस स्पोर्ट राउंड के बाद जो सारी सीटें बची हुई है वो सारे सीटों पे मिला करके स्पोर्ट राउंड का सेकेंड फेज आ चुका है। तो इसके लिए कब से एप्लीकेशन सबमिट करना है, किस तरीके से एप्लीकेशन सबमिट करना है, क्या सारा प्रोसेस है, इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप उसके रिगार्डिंग कमेंट्स कर सकते हैं, नीचे के हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं फिलहाल में। और दूसरे अपडेट के बारे में बात की जाए तो पीजी के वोकेशनल कोर्सेज के बारे में भी हम आपसे बात करते हैं। पीजी के वोकेशनल कोर्स में भी स्पोर्ट राउंड का एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है, और पीजी के वोकेशनल कोर्स में जो स्पोर्ट राउंड एडमिशन है उसका फर्स्ट फेज एग्जैक्टली अभी बीत रहा है, यानी फर्स्ट फेज के जो सारा प्रोसेस है वो प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। ये देख सकते हैं पीजी के सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स से रिलेटेड नोटिस है, जिसमें जो फर्स्ट फेज है वो फर्स्ट फेज के लिए जो एप्लीकेशन सबमिट होना था वो आपका 13/4/2022 यानी कल एप्लीकेशन आपका सबमिट हुआ। इसके बाद इसका जो मेरिट लिस्ट है एंड इसका जो एडमिशन का प्रोसेस है वो आपका 19/4/2022 तक कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है कि इसका भी सेकेंड राउंड का स्पोर्ट एडमिशन आएगा, मतलब कैजुअल एडमिशन आएगा, और ये आपका 19 तारीख के बाद आएगा। तो ये करेंटली अपडेट आप रखिएगा पीजी के वोकेशनल कोर्स में। जिनका भी एप्लीकेशन कल सबमिट कर दिया वो तो अच्छी बात है कि एप्लीकेशन आप सबमिट कर दिए हैं। अगर आप सबमिट नहीं कर पाए हैं किसी भी कारणवश से, देन आपका जो एडमिशन है पीजी के वोकेशनल कोर्सेज में वो आपका 20 अप्रैल के बाद आपके लिए प्रोसेस आएगा। तो रेगुलर कोर्सेज एंड वोकेशनल कोर्सेज दोनों के बारे में मैं करेंटली अभी जो अपडेट है मैंने अपडेट को कंक्लूड कर दिया। अब पूरा प्रोसेस को विस्तार से समझे, क्या कुछ नोटिस निकल के आया है पटना यूनिवर्सिटी के द्वारा रिगार्डिंग द पीजी स्पोर्ट एडमिशन इन रेगुलर कोर्सेज फॉर सेकेंड फेज। सो गाइस सारे वीडियोज को आपके लिए सही कंटेंट से सारे इन्फॉर्मेशन को आपके लिए एक्सप्लोर करते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि फर्दर इन फ्यूचर तमाम सारे अपडेट पटना यूनिवर्सिटी के पीजी एडमिशन से रिलेटेड सारा अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। एंड अभी आपका एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है प्लस आपका रजिस्ट्रेशन का भी प्रोसेस चल रहा है, तो हर अपडेट आपको टू द टाइम सही तरीके से आपको मिलना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का आपका प्रोसेस में मिस्टेक ना हो। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल मैं लेके चलता हूं अभी पटना यूनिवर्सिटी ने जो पीजी के रेगुलर कोर्सेज के लिए जो सारा नोटिस निकाला था उस नोटिस को समझिए। ये आपका फर्स्ट नोटिस था रिगार्डिंग स्पोर्ट एडमिशन जो कि 21/3/2022 को आया था। ये आपका पीजी कोर्सेज में फर्स्ट स्पोर्ट राउंड का एडमिशन का नोटिस था, जिसमें देखिए बताया गया था सब्जेक्ट रिगार्डिंग स्पोर्ट राउंड एडमिशन। ये जो नोटिस था, ये जो प्रक्रिया थी, ये आपका फर्स्ट फेज ऑफ स्पोर्ट एडमिशन था। तो फर्स्ट फेज समाप्त हो चुका है स्पोर्ट राउंड का, सेकंड फेज के लिए देख सकते हैं नोटिस यहाँ पे। ये है आपका
पटना विश्वविद्यालय। और कल यानी डेट आपका देख सकते हैं 13/4/2022 को एक नोटिस आया है जो कि आपका है पीजी के रेगुलर कोर्सेज के लिए सेकेंड फेज का स्पोर्ट एडमिशन। इसमें देखिए क्लियरली बताया गया है सब्जेक्ट रिगार्डिंग सेकेंड स्पोर्ट एडमिशन, और इसका जो लिंक है ये जो पीडीएफ है ये हमारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए या फिर आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम के जरिए से, जिससे कि क्या होगा कि आपको किसी भी प्रकार का आपको क्वेरी हो देन आप क्वेरी पूछ सकते हैं इमीडिएटली उस सारे जो प्लेटफॉर्म है उसके जरिए से। तो अभी फिलहाल में देख सकते हैं कि रिगार्डिंग द सेकेंड राउंड स्पोर्ट एडमिशन में क्या कुछ बताया गया, चलिए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इसमें देखिए बताया गया है कि जो डीन है यानी जो हेड ऑफ द कह सकते हैं यूनिवर्सिटी है वो लिखते हैं लेटर, सर मैडम आई एम डायरेक्टेड टू रिक्वेस्ट यू टू काइंडली एक्सेप्ट एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म वाया ऑनलाइन। देखिए आपको बताया जा रहा है कि जो कैंडिडेट आपको क्या बताया जा रहा है कि आपको कैंडिडेट को रिक्वेस्ट किया जाता है यानी सॉरी इसमें रिक्वेस्ट किया जाता है एचओडी को यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को, जिस भी डिपार्टमेंट में आपको एडमिशन लेना रहे तो बताया जाता है एचओडी को कि एचओडी को क्या करना है कि एप्लीकेशन फॉर्म लेना है और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या लेना है प्रिंट आउट लेना है। अब एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से लिखते हैं ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया भी था, आप उस वीडियोस को देख सकते हैं कि किस तरीके से फर्स्ट राउंड का स्पोर्ट एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ था। तो आपको एक लेटर लिखना होता है हाथ से यानी अपने हैंड रिटेन से, यानी आपको एक लेटर लिखना होता है एचओडी को कि आपको स्पोर्ट एडमिशन में एडमिशन लेना है और कौन सा पेपर में एडमिशन लेना है वो आप लेटर पे बताइए, लेटर आप A4 के पेपर पे लिखिए और लेटर लिख करके क्या करना है साथ में आपको जो आपका प्रिंट आउट है पीयू में जो आपने अप्लाई किया उसका प्रिंट आउट प्लस साथ में और प्लस अपना ग्रेजुएशन का मार्कशीट और कुछ कुछ डिपार्टमेंट में तो सारे डॉक्यूमेंट्स के फोटोकॉपीज को ही अभी ही सबमिट कर दिया जा रहा है क्योंकि एडमिशन आपका इंस्टेंट कंफर्म होता है। तो मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि जो तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स है वो अपने पास रखिए और ले जा करके तुरंत अपना एडमिशन को कंफर्म कीजिए। तो ये आपको क्या करना है काम, ये जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह सबमिट करना है उसका डेट आपको 18/4/2022 को है। आज है 14 अप्रैल, 14 अप्रैल छुट्टी है, 15 अप्रैल भी छुट्टी है, 16 अप्रैल सैटरडे है, इसके बाद 17 अप्रैल संडे है एंड 18 अप्रैल फिर जाकर के आपका मंडे होता है। तो मंडे को जाकर के आपको सबमिट करना है एंड सबमिट करने के बाद क्या होता है कि कैंडिडेट का जो अलॉटमेंट लेटर है वो कैंडिडेट को इन्फॉर्म कर दिया जाता है मेल के जरिए से, यानी जिस भी कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा सेकेंड स्पोर्ट राउंड एडमिशन में उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा मेल के जरिए से। इसके बाद क्या करेंगे कैंडिडेट अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे, पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद क्या करेंगे जिस भी रिस्पेक्टेड डिपार्टमेंट में वो एडमिशन जिनका कन्फर्म हुआ है वो रिस्पेक्टेड डिपार्टमेंट में जाकर के अपना पेमेंट स्लिप अलॉटमेंट लेटर एंड एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह ले जाकर के वेरिफिकेशन करवाएंगे एंड 20/4/2022 को आपका एडमिशन आपके हाथ में रहेगा। तो 18 तारीख से चलने वाली ये प्रक्रिया 20/4/2022 को आपका कंफर्म हो जाएगा और याद रखिएगा जो पेमेंट करने का जो टाइमिंग है वो आपका 19/4/2022 को रहेगा। तो ये आसान सा स्टेप से जो सारा स्टेप्स था मैंने सारा स्टेप्स आपको बता दिया है और आप इसे डिटेल में पढ़ भी सकते हैं, इसके लिए मैंने बताया भी है कि आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस पीडीएफ का, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ भी सकते हैं या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, हर जगह ये कंटेंट आपको अवेलेबल मिलेगा। सो गाइज आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।